जिनसे नगर में बम ब्लास्ट हुआ हो, तो जिनसे नगर में बम ब्लास्ट हुआ हो तो मैं, मेरा बच्चा भी जिनसे नगर से आता कॉलेज से, ठीक है तो मैं क्या करा, पहले बच्चे को फ़ोन किया, सोचा हाँ हो सकता है उन्हें कहीं कुछ रुकावट से रुक गया होगा, आने में दिक्कत भी होगी, बोल के मैं क्या किया घर को फ़ोन किया। घर को फ़ोन करा तो घर पर भी जिसके अभी नहीं आया, बोले जब तक 7:30-8 बज रहे थे, जबकि जब भी मैं काम से निकल गया जल्दी सीधा घर को आया। घर को आने के बाद मैं सीधा मैं आके घर पे पूछा तो जब तक कोई नहीं आया, बोले 8:30 बजे। फिर उसके बाद में मैं मेरे आलिया को लिया लेके जिनसनगर स्पॉट पे गया, देखा वो सब हल्दी मची हुई थी, एजाज पुकारा, एजाज अहमद पुकारा, वो कहीं सुने नहीं आ रहा, किसी को कोई आ रहा नहीं। तो ठीक है बोला, सब जने एक बोले के एडवाइस दिए कि यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाइए, किसी आपका बच्चा हेल्प कर रहा होगा या नहीं तो कुछ छोटा मोटा मार भी लगा तो होगा, हो सकता है। सीधे यशोदा हॉस्पिटल आया, यशोदा हॉस्पिटल आके देखा तो पूरा पुलिस वाले बोले कि नहीं यहाँ तो एजाज कोई भी नहीं आए, लिस्ट भी बताए, नंबर भी बताए, सब करे, उनका फ़ोन नंबर भी नहीं है। ठीक है बोला, ठीक है बोल के क्या किया, फिर वहाँ से सीधा मेरे आलिया के लिया घर को आया। घर को आके बोला कि ठीक है मैं उस्माने जाके देखूँगा, बोला उन लोग भी बोले थे उस्माने जाके देखा, बोला ठीक है मेरे आलिया को छोड़ के मैं मेरे भांजे के संगा उस्मानिया गया। उस्मानिया गया तो उस्मानिया में ये बहुत हल्फल लिखी हुई थी, वहाँ पर भी काफ़ी लोग आ रहे जा रहे थे, वहाँ पूछा तो वहाँ भी नहीं है, एजाज अहमद कहीं नाम लिखा हुआ नहीं है। ठीक है बोला, आधा घंटा देखा करा करा, अंदर गया, अंदर जाके भी देखा कहीं नहीं था मेरा बच्चा। तो ठीक है उन लोग फिर पूछा तो अभी कहाँ है, बोला तो एक बार फिर भी मॉच रूम में देख लीजिए, वो तो उन लोग भी जैसे कहे मॉच रूम में देख लो, तो ठीक है सीधा गया मॉच रूम में, गया जाके गेट पर पूछा ऐसा एजाज अहमद है मैं देखना चाह रहा हूँ, तो ठीक है बोले अंदर गया, गया तो सेकंड बॉडी मेरे बेटे का पड़ा हुआ, अब उससे बढ़ के और कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा दिल जब का जब भी टूट गया और कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा जीने का उम्मीद ही निकाल दिया पूरे लोग। जिसने किया ये सब बहुत बड़ा गलत किया, ऐसा किसी के संगत नहीं करना चाहिए, मेरी ब्रिजी नहीं खराब कर, अगर सारी दुनिया अगर देख रही तो किसी की भी औलाद ऐसा मत हो, किसी की दुनिया को खराब नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो मेरे सामने आइए, मेरे को फाइट करिए, ओपन करिए।